मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उठ चुकी हूँ सुबह में और अभी देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसा मौसम है। ठीक है, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये जा चुके हैं ड्यूटी। तो मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉगिंग मैं अपना मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं यहाँ पे ब्लैक टी सुबह सुबह पीना पसंद करती हूँ। तो मैं यहाँ टाइम भी देख रही थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, बाबू अभी सो रहा था। तो मैंने यहाँ टमाटर हीटर पे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं गैस को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। ऐसे ही मैं सुबह में ही किचन में कुछ भी काम करने से पहले किचन को अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। ये रात भर का ऐसे ही रहता है किचन, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना मैं किचन की सफाई किए बिना कोई काम नहीं करती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं ड्रमस्टिक की सब्जी बना रही हूँ और मसाला भी पीस रही थी और यहाँ पे चाउमीन बॉयल कर रही थी नाश्ता के लिए। बाबू भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। आपको आता है बनाने? तो ठीक है, काम करो, आप आज नाश्ता बनाओ, हम जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं कहीं भी। ओ, आज तो मज़ा आएगा ब्रेकफास्ट करने में। बाबू को ब्रश भी करा रही थी और ये ब्रश करने से मैं तो बहुत ही बदमाश, मैंने कहा लाओ मैं ब्रश करा दे रही हूँ, तो नहीं मम्मा आप अपना काम हो। यहाँ आटा गूंथ के चली गई ब्रश करने के लिए। और यहाँ पे जब मैं आई तो बाबू ने कहा मम्मा भूख लग रही है, तो मैं यहाँ पे चाउमीन बना के मैंने कहा चलो मैं उसे दे देती हूँ, उसके बाद ही कुछ भी जो भी है काम मैं करूँगी। तो वो मेरे साथ किचन में है और उसे अच्छा लगता है मेरे साथ किचन में रहना। वो किचन में मेरा हेल्प नहीं उतना का काम वो बढ़ाता है। ऐसे भी बोलता लाओ मम्मा मैं ये कर दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो यहाँ मेरा चाउमीन लगभग उसे बिल। फिर मैंने कहा कि चलो टाइम भी हो रहा है, पापा को नाश्ता दे देती हूँ, तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। और ऐसे भी वो चाउमीन तो खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए रोटी सेक के दे दूँगी, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो मेरा यहाँ नाश्ता भी लगभग कम्प्लीट मतलब बन चुका था। तो यहाँ मैं चटनी को थोड़ा मतलब छौंक भी लगा दिया, यहाँ पे भुजिया टमाटर की चटनी है रोटी, और उसके बाद मैं नहा के आ गई। तो मेरा नाश्ता वगैरह भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं किचन में आ गई बर्तन धोने के लिए, जो भी नाश्ता का बर्तन था वो भी धो रही, मेरे किचन भी लगभग सफाई हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।